मोबाइल संस्कृति पिछले कुछ वर्षों के अंदर विज्ञान ने तरक्की की तो टीवी और मोबाइल आया। ये सब विज्ञान के आविष्कार से, विज्ञान के जो अधिक निर्माण के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, तो ये आज की संस्कृति, बच्चों की संस्कृति को टीवी मोबाइल की संस्कृति कहा जाता है। और ये संस्कृति बुरी नहीं है, मैं संस्कृति की कोई भी अवहेलना नहीं करता, निंदा नहीं करता, परंतु एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज को हम अधिक रूप से उपयोग में लेंगे, अधिक उसका उपयोग करेंगे, एक्सेस में करेंगे, तो वो चीज बुरी बन जाएगी, वो खराब हो जाएगी। हमारी बुद्धि भी है, हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो वह भी काम की नहीं है। हर चीज संयम में होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए, अंकुश में होनी चाहिए। अब हम टीवी मोबाइल संस्कृति के गुण दोष देखें, बहुत गुण हैं। हम एक मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व की चीज़ों का पता कर सकते हैं, हम इंटरनेट से पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं, हम लैपटॉप से और टीवी से पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। अच्छी बात है, दूसरी संस्कृतियों का, दूसरी चीज़ों का हमें पता चलता है, लेकिन हम 24 आवर्स उसी में ही व्यवस्थित रखें, या हमारे टीनेजर्स है तो इसके अंदर बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी चीज़ें भी, ब्लू फिल्म्स भी बहुत आती है, क्योंकि कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो बुरी बुरी चीज़ों को डालते हैं उसके अंदर, और डाल करके और वो बाल पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। तो टीवी की संस्कृति नियंत्रण में रहनी चाहिए।